विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के पत्रों की स्क्रूटनी पर पुलिस प्रशासन के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में पुख्ता इंतजाम किया गया था, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि कलेक्ट्रेट में बैरिकेडिंग की गई है और गेट के बाहर 100 मीटर पर डबल लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, जिससे कि प्रत्याशी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति कलेक्ट्रेट में प्रवेश ना कर सके। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट में सभी व्यक्तियों की वीडियोग्राफी और ड्रोन की मदद से सभी व्यक्तियों की निगरानी की जा रही है तथा साथ ही एक ट्रक पीएसी व जनपद पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा अलग अलग बैरियर पॉइंट पर पुलिस की तैनाती की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, विधानसभा चुनाव के लिए सर जो प्रत्याशी उनके स्कूटनी चल रहा था, क्या व्यवस्था की गई? देखिए, इसमें हमने सेम ही व्यवस्था रखी है जो पहले रखी थी। इसमें 100 मीटर और 500 मीटर पर डबल लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, वीडियोग्राफी की जा रही है, डिप्लॉयमेंट हुआ है यहाँ पे फोर्स का, सिविल पुलिस का भी है, पीएसी का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है और ड्रोन की मदद से भी निगरानी रखी जा रही है, वहाँ पे देखा जा रहा है। लगभग कितने फुट लगाए इसमें? हमने अलग अलग कंपोनेंट्स लगाए हैं, पीएसी लगाई है यहाँ, एक कंपनी पीएसी हमने यहाँ पे लगाई है और साथ में हमने लाइन की जो रिजर्व फोर्स है वो भी यहाँ पे लगाई है, सिविल पुलिस भी लगी है, अलग अलग बैरियर पॉइंट्स पे अलग अलग फोर्सेज लगी हैं, लगभग 20 बैरियर पॉइंट्स हैं, तो फोर्सेज लगे हैं।